हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती इंग्लिश एकेडमी भाद्रचून ऑनलाइन क्लासेज एंड ऑनलाइन क्लासेज के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स वो है हमारा पास्ट सिंपल टेंस के फॉर्मूले और एग्जांपल। ओके, तो इस वीडियो में हम पास्ट सिंपल टेंस के बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे। लुक डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास्ट सिंपल टेंस का पहचान है। हिंदी वाक्य के एंड में आ, ई और ए आता है तो वो हिंदी वाक्य हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस का होगा। इफ़ द सेंटेंस एंड कम फ्रॉम वोवल साउंड आ, ई, ए, वी शुड से दैट पास्ट सिंपल टेंस। एंड फार्मूला ऑफ दिस टेंस, पॉजिटिव सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एंड इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव देन सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एंड इफ द फार्मूलाज ऑफ इंट्रोगेटिव, सो डियर स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, दिस फार्मूला वी यूज इन पॉजिटिव सेंटेंस। ये हमें पॉजिटिव सेंटेंस यूज करेंगे। एंड इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है देन वी यूज सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इंट्रोगेटिव है when we use did subject verb की first form or object। look this example, मैं गया I went, मैं नहीं गया I did not go, और क्या मैं गया तो did I go। positive sentence में verb की second form आएगी, negative में did not plus verb की first form आएगी, और interrogative में जो है वो did हमारा सबसे आगे रहेगा। make some more sentences also, आओ हम कुछ और सेंटेंस जो हैं बनाएं। लेट डिस्कस मैनी सेंटेंसेज। लुक दिस इज अवर फर्स्ट सेंटेंस, मैंने मैच खेला, मैंने मैच खेला। So dear students, note who will play match? Match किसने खेला? मैंने। So who is subject? Subject कौन है? मैं। मैंने के लिए क्या आता है? I। क्या आएगा? I। I। आ की साउंड आ रही है सेंटेंस के एंड में, आ की साउंड आ रही, आ की ध्वनि आ रही, तो वी अंडरस्टैंड दैट दिस सेंटेंस इज पास्ट सिंपल टेंस। आ की ध्वनि आ रही तो हमने ये समझ में आया कि ये जो सेंटेंस हैं हमारे पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, या सिंपल पास्ट टेंस पे बोलते हैं उसका सेंटेंस है। तो फॉर्मूला है पॉजिटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हमारा आई। मैंने मैच खेला, खेला, खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। तो आई प्लेड, प्ले, प्लेड, आई प्लेड। मैंने क्या खेला बच्चों? मैच। मैच के लिए एम ए टी सी एच, एम A T G H, मैंने मैच खेला, I played match। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है और पास सिंपल टेंस का है तो उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे मैंने मैच खेला तो I played match, ओके? और मैंने मैच नहीं खेला तो I did not play match। नेगेटिव सेंटेंस में डिड आएगा, नॉट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैंने मैच नहीं खेला, यह हमारा नेगेटिव है और इसका हमें आंसर ट्रांसलेट करेंगे, मैंने मैच नहीं खेला तो आई नहीं खेला। आगे मात्रा यानी पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल के नेगेटिव बनाने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट
did not, I did not, did के साथ में verb की first form आती है, I did not play match, I did not play match, मैंने match नहीं खेला, तो हमारा translate क्या हुआ, I did not play match, मैंने मैच नहीं खेला, ओके। लुक, मैंने खाना खाया या उसने खाना खाया, तो ही एट फूड, उसने खाना खाया, व्हाट्स द ट्रांसलेट, उसने के लिए क्या आता है, ही आ की साउंड आ रही है, यानी सेकेंड फॉर्म यूज करना है, ही इट एन खाता और एट एन खाया, ही एट क्या खाया, खाना, खाने को फूड, ही एट फूड, उसने खाना खाया, ही एट फूड, उसने खाना नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट फूड, उसने खाना नहीं खाया, उसने खाना नहीं खाया, व्हाट्स द ट्रांसलेट, ट्रांसलेट क्या होगा, उसने के लिए क्या आएगा, ही ही डिड नॉट ईट फूड, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही डिड नॉट ईट अ फूड, ही डिड नॉट ईट अ फूड, उसने खाना नहीं खाया, ओके, ही डिड नॉट ईट अ फूड, उसने खाना नहीं खाया। देन अगेन, वह दौड़ता है, तो ही रन, वह नहीं दौड़ता, ही डिड नॉट रन, माता जी ने या मम्मी ने खाना बनाया या पकाया, मम्मी ने खाना बनाया, या पकाया ऐसे भी बोल सकते हैं, तो मम्मी के लिए क्या आता है, मदर, मदर, एम ओ टी एच ई आर, मदर बनाया, कुकड, मदर कुकड, सी डबल ओ के ई डी, मदर कुकड, मम्मी ने क्या बनाया बच्चों, खाना, खाने को क्या बोलते हैं, फूड, मदर कुकड फूड, एफ डबल ओ डी, मदर कुकड फूड, मम्मी ने खाना बनाया, मदर कुकड फूड, और मम्मी ने खाना नहीं बनाया, तो मदर डिड नॉट कुक फूड, मम्मी ने खाना नहीं बनाया, तो क्या होगा, मदर डिड नॉट कुक फूड, मदर डिड नॉट, मदर डिड नॉट कुक फूड,
मदर डिड नॉट कुक अ फूड, भोजन को क्या कहते हैं? फूड. मदर डिड नॉट कुक अ फूड, एफ डबल ओ डी, फूड यानी भोजन. मम्मी ने खाना नहीं बनाया तो मदर डिड नॉट कुक अ फूड. ओके, और ये हमारे कौन से टेंस के हैं? पास्ट सिंपल टेंस के. मैंने पत्र लिखा, आई रॉट अ लेटर, आई रॉट अ लेटर. मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा. फर्स्ट से ट्रांसलेट, ट्रांसलेट क्या होगा? आई रॉट लेटर, आई रॉट डब्ल्यू आर ओ टी, आई रॉट पत्र को लेटर, एल ए डबल टी ई आर, एल ए टी टी आर, टी टी ई आर लेटर. आई रॉट अ लेटर. और मैंने पत्र नहीं लिखा तो आई डिड नॉट राइट अ लेटर. मैंने पत्र नहीं लिखा, मैंने पत्र नहीं लिखा, तो क्या होगा बच्चों? आई डिड नॉट राइट अ लेटर. आई डिड नॉट राइट, राइट मीन्स लिखना, डब्ल्यू आर आई टी. आई डिड नॉट राइट अ लेटर. आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा. शो डियर स्टूडेंट्स, राइट ऑल सेंटेंसेज इन द नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो. सारे सेंटेंस अपनी कॉपी में लिखिए और इनको याद कीजिए. मैंने मैच खेला, आई प्लेड मैच. मैंने मैच नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले मैच. मैंने खाना बना, उसने खाना खाया, ही एट फूड. उसने खाना नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट फूड. मम्मी ने खाना बनाया, तो मदर कुक्ड फूड. और मम्मी ने खाना नहीं बनाया तो मदर डिड नॉट कुक फूड. एंड मैंने पत्र लिखा, आई रॉट अ लेटर, एल ए डबल टी आर, लेटर मीन्स पत्र. और मैंने पत्र नहीं लिखा तो आई डिड नॉट राइट अ लेटर. शो डियर स्टूडेंट्स, राइट ऑल सेंटेंसेज इन द नोटबुक एंड कंप्लीट द वर्क एंड रिवाइज ऑल द सेंटेंसेज. स्टे इन होम, लिव हैप्पी, लिव हेल्थी, एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो. ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. ओके डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट टू राइट. सारे सेंटेंस लिखना शुरू कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड कार्य पूरा कीजिए. ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे वापस मिलेंगे.